हम करने वाले हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी काफी इजी है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है बिलो चार। पहले मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए अब इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता रहेगा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 0 से 4, ठीक है, 4 से 7, 7 से 10, फिर 10 से 13, फिर 13 से 16। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंक्लूजन ये है कि भाई हमें ये पता करना है कि ये चीज क्या है, भाई फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो याद रखना कि भाई बहुत बड़ी डिजिट आ रही है। देखो डिजिट कितनी जल्दी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 7, 38, तो 175, 248 और 300, ये क्या है बच्चों, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी होगी, आपको पता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, पहले यहाँ 7 रहा होगा तो फिर 7, फिर 7 में मैं यहाँ क्या ऐड करूं कि 38 आ जाए। समझ में आ रहा है, ऐसे कर कर हमें क्या करना है, इसको करना है फ्रीक्वेंसी को, है ना। तो आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अब कैसे करना है। देखो यहाँ पे तो 7 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 7 में मैं क्या ऐड करूं कि 38 आ जाए, ठीक है ना। तो 38 माइनस अगर मैं 7 करता हूँ तो कितना आ जाने वाला है मेरे पे, 31। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरे पे 31। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है ना, 31। अब देखो 38 आ गया, था 38 में मैं क्या ऐड करूं कि 175 हो जाए। तो 175 में से अगर मैं 38 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 138, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 137 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पे 137, ठीक है, आ गया 137। अब देखो 1, ठीक है, 137 यहाँ पे आ गया 137। अब देखो 175 में मैं क्या ऐड करूं कि ये आ जाए। देखो 248 में से जब मैं 175 माइनस करूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाने वाला है मेरे पे, 73। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 73। अब भाई अब मुझे ये करना है कि भाई 248 में मैं 248 में मैं क्या ऐड करूँ कि 300 आ जाए, है ना। मतलब मैं क्या करूंगा, 300 में से 248 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पे, 52। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया होगा। अब बोल रहा है स्टेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए ग्रुप फ्रॉम 10 to 13। 10 से 13, देखो 10 से 13 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 73। आई होप आपके ये समय में आ गया होगा कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये पता करना है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको बस यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हो, तो देखो ये देखो ना कितना बड़ा नंबर है, इसका मतलब देखो ये कितना बड़ा, कितने जल्दी वास्ट इंक्रीज हो रहा है, कितने जल्दी नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और अगर सिंपल होते नंबर, ज्यादा बड़े नहीं होते, तो आपको पता चल रहा था कि भाई फ्रीक्वेंसी है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान एक और होती है कि भाई यहाँ पे जैसे आपको 300 दे देता है ये कि भाई 300 स्टूडेंट्स है, तो यहीं से आपको पता चल जाता है ये 300 है और यहाँ पे भी 300 है, तो आपको पता चल जाता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे नहीं दिया रहता है, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है कि भाई इतना बड़ा नंबर है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।